Yes. आप सबों को नमस्कार। और आज फिर आपसे इस ऑडियो मैसेज के द्वारा आपसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे दोस्तों और हमारे सब मित्रगण, जो भी आप सुन रहे हैं, आप ज़रूर सोचते होंगे कि इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ ये आरंभ हुआ, कैसे ये पृथ्वी की सृष्टि हुई, कैसे मनुष्य आया इस दुनिया में। अलग-अलग विचारधाराएं हैं इस सृष्टि के बारे में। कुछ वैज्ञानिकों का ये विचार है कि ये करीब 15 बिलियन खरबों खरबों साल पहले ये अचानक से एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आप जो साइंस के स्टूडेंट हैं, ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा। और धीरे धीरे करके ये कई मिलियन साल इसमें लग गए और पृथ्वी बनी। और उसके बाद धीरे धीरे नदी में कुछ एक विशेष पानी में एक विशेष इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई शायद ऊपर से, और उसके रिएक्शन से अमीबा और छोटे छोटे जो लिविंग क्रीचर्स हैं वो आए, और धीरे धीरे मनुष्य का उत्थान हुआ। ये सिर्फ एक कथा और कहानी के रूप में बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन क्या ये सत्य है, क्या ये एक तथ्य है, ये सोचने वाली बात है। और ज़रूर है कि आप इसके बारे में सोचते होंगे। मैं बताना मांगता हूँ बाइबल परमेश्वर के वचन के आधार पर कि ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं बन सकती है, को कुछ न कुछ उसका कारण होता है, जिसे हम इंग्लिश में या फिलॉसफी में कहते हैं कॉजालिटी। हर एक जो इवेंट होता है उसका कोई कारण होता है। उदाहरण के रूप में यदि हम कहें कि मेरे सामने जो कुर्सी रखी है, चेयर रखी, वो अपने आप से आ गई, तो शायद आप हंसेंगे। और ये बिल्कुल सही है कि ये विचारधारा ठीक नहीं है कि अपने आप से कुर्सी आ गई या टेबल आ गया। इसको कोई ना कोई बनाने वाला है, इसके पीछे एक बड़ाई है जिसने इस कुर्सी को बनाया। हमारी घड़ी, जो रिस्ट वॉच या घर में हम जो घड़ी रखते हैं, अपने आप से नहीं आया, उसके पीछे कोई एक घड़ी साज था जो अपने दिमाग में सोचा कि कहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक होंगे, सुई होंगी, कैसे उसका मूवमेंट होगा। आजकल ऑफ कोर्स डिजिटल घड़ियाँ ज़्यादा प्रचलित हैं, वो उसमें भी मनुष्य का दिमाग लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज़ जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो अपने आप से नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। एक और उदाहरण मैं आपके लिए देना मांगता हूँ। हमारे यहाँ बिजली आती, बिजली अपने आप से तो नहीं आती है, वो कहीं वायर से होकर के बहुत दूर कहीं पर उसका एक पावर हाउस होता है, चाहे वो बिजली पानी से बनती है या न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका शुरुआत है, स्रोत है, करने वाला है। ठीक उसी प्रकार से ये पृथ्वी भी अपने आप में नहीं आई, इसका कोई बनाने वाला है, इसका कोई सृष्टि करता है। और वो सृष्टि करता है हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं बाइबल के आधार पर, क्योंकि बाइबल ही हमारी एक, समझ लीजिए, इन्फॉर्मेशन बुक है। वहाँ से हमें सब इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं या ज्ञान है, वो हमको वहाँ से प्राप्त होता है। बाइबल के अनुसार हम देखते हैं, स्पेशली उत्पत्ति, जो बाइबल का पहली किताब है, उसमें लिखा हुआ है
कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर महान है, वो अनंत है, वो सर्वसामर्थी है, सब जगह मौजूद है। उसका ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, वो हमेशा वर्तमान में रहता है। एंड सो जब एक अनंत परमेश्वर जिसका ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, वो पहले था और आज भी है और रहेगा हमेशा युगानुयुग, ये एक परमेश्वर की एक गुणवत्ता अगर हम उसको उस विचारधारा में लाएं। सो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसने सिर्फ कहा, अगर आपके पास बाइबल है तो उसमें आप देख सकते हैं उसका पूरा पहला अध्याय उत्पत्ति जेनेसिस, उसका पहला अध्याय हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की, किस प्रकार से उसने पृथ्वी की सृष्टि की, किस प्रकार उसने जीव जंतुओं की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी की सृष्टि की। हम देखते हैं कि वो सृष्टि करता है, उसने बनाया सिर्फ बोलने के द्वारा। लिखा हुआ बाइबल में उसने कहा उजियाला हो जा और उजियाला हो गया। उसने कहा कि पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी आ गई। समुद्र में पानी भर जाए, पानी भर गया। और लेकिन जहाँ तक मनुष्य की बात है, उसने ऐसे नहीं बोला कि हो जाए, उसने मिट्टी ली और मिट्टी से उसने आदम को बनाया, आदम का पुतला बनाया और उसमें जीवन का सांस फूका। तो इस प्रकार से हम जीवित प्राणी बन गए हैं। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अर्थात जो वचन हम पढ़ते हैं बाइबल, वो खुद परमेश्वर उसकी वाणी है। और एक जगह और लिखा हुआ है परमेश्वर के बारे में, प्रभु परमेश्वर वह है जो हमेशा है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, या कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा जो हमारे जो ग्रीक भाषा का पहला अक्षर है और ओमेगा आखिरी शब्द है। तो कहने का मतलब शुरुआत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। और इसी परमेश्वर ने, इसी जीवित परमेश्वर ने इस सारे पृथ्वी की रचना की। मेरा दूसरा पॉइंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, उसने पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, जल जंतु, समुद्र की मछलियाँ, समुद्र में जो रहते हैं वो बनाया, पक्षियों को बनाया, सुंदर सुंदर पहाड़, पेड़ पौधे, फ्लावर्स, आप चारों तरफ देखिए कितना सुंदर परमेश्वर की सृष्टि है। अलग अलग प्रकार के चिड़ियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी ब्यूटीफुल सुंदर आवाज़ें हैं। सवेरे आप जब सवेरे उठते हैं तो शायद ज़रूर सुनते होंगे उन चिड़ियों की सुंदर सुंदर आवाज़। ये सब परमेश्वर की रचना है। लेकिन सबसे अद्भुत रचना इन सबों के अलावा एक और रचना परमेश्वर ने की है, और वो रचना है आपकी और मेरी, जो कि आदम और हवा के रूप में हमारे जो पूर्वज थे बहुत बहुत साल पहले, उनका नाम था आदम, और उसी से हमारा शब्द आया है आदमी। जो आप बोलते हैं ना कि कभी कभी भाई उस आदमी को बुला लो, यार वो आदमी आया था, ये आदमी शब्द कहाँ से आया? ये आदमी शब्द बाइबल से आया है। और जो आदम का जो मतलब है वो है लाल मिट्टी, क्योंकि हम उस मिट्टी के ही बनाए गए हैं। अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको हरा मनुष्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मिट्टी के जो रंग है सफ़ेद से लेकर के काले तक, उन रंगों के बीच में हम देखते हैं कि मिट्टी का रंग पाया जाता है और हमारा रंग भी पाया जाता है। कहीं कोई आदमी सफ़ेद है तो कहीं कोई आदमी ब्राउन है, भूरा है, या थोड़ा सा लालीपन सा है, कहीं पर कोई आदमी काला है। कहने का मतलब ये है कि ये परमेश्वर की बड़ी महान कला है कि उसने मिट्टी से आदम को बनाया और
हवा को बनाया, हवा मतलब उसकी वाइफ, नर और नारी को बनाया। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो इस प्रकार से कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ये हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में पूरा वर्णन हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, आपकी रचना की, हमारी रचना की। अगर आप अपने शरीर को देखें, देह को देखें, तो क्या ज़बरदस्त परमेश्वर का एक गिफ्ट हमें दिया गया। हाथ जिससे हम काम कर सकते हैं, नाक जिससे हम सूंघ सकते हैं, जीभ जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, आँख जिससे हम देख सकते हैं, और सबसे बड़ा जो कंप्यूटर, अगर हम बोले कंप्यूटर तो खैर कंप्यूटर से भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण अंग परमेश्वर ने बनाया है, वो है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, जो पूरे हमारे बॉडी का, हमारे देह का संचालन करता है। तो कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने स्वरूप में सृजा। जहाँ तक जानवरों की बात है, वो आज भी वैसे ही घोंसला बनाते हैं जो हजारों साल पहले बनाते हैं। उनमें कोई ये नहीं होता कि भाई आज 2 रूम वाला घर बनाएंगे, 3 रूम वाला घोंसला बनाएंगे, नहीं। आप जानते हैं कि अपने समय के अनुसार चिड़ियाँ वो अपना घोंसला बनाती है जहाँ पर वो अपने बच्चे अंडे दे सके और बच्चे आ सके। लेकिन मनुष्य वो बड़ा भारी, उसका दिमाग बहुत काम करता है, अद्भुत रीति से वो नई नई चीज़ें बनाता है, आविष्कार करता है, सोचता है, उसके विचार होते हैं। ये सब परमेश्वर की एक महान देन है जो उसने हमारे लिए बनाया। तो मनुष्य की सृष्टि भी परमेश्वर ने की। अब आप पूछेंगे, भाई मनुष्य की सृष्टि तो की, लेकिन उसका कारण क्या है? मनुष्य की सृष्टि इसलिए की, किया उसने, परमेश्वर ने, कि हम मनुष्य अपने जीवन के द्वारा, अपने पूरे रहन सहन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके, है कि नहीं? उदाहरण के रूप में अगर कोई हमारे यहाँ आता है, हमारी चेयर को देखता है और बोलता है कि भाई ये चेयर तो बहुत अच्छी चेयर है, ये कहाँ से लाया, किसने बनाया, तो मैं शायद, अगर मुझे पता है उस बढ़ई का नाम, अरे साहब फला फला बढ़ई था उसने ये चेयर बनाई। तो चेयर बनाने जो चेयर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चेयर का बनाने वाला, कुर्सी का बनाने वाला, वो बढ़ई जिसके हाथ में वो कारीगरी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चेयर या कुर्सी या टेबल या जो भी हमारे साज सामान है, बनाने वाले की महिमा करती है, आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा करना। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि पाप आ गया। विशेष करके हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने तो कहा कि भाई जाओ काम करो बगीचे में, अदन की वाटिका में, और फूल सब्जी उगाओ, खाओ पियो, सब कुछ बहुत आनंद से रहो, लेकिन एक पेड़ है उसका फल मत खाना। और आदम ने शायद बोला होगा, हाँ परमेश्वर ठीक है मैं ऐसा करूँगा, लेकिन उसकी पत्नी शायद इधर उधर घूमती हुई गई होगी उस पर्टिकुलर पेड़ के पास, और वहाँ शैतान ने उसको बहका दिया, धोखा दे दिया, और तब से पाप इस पूरी दुनिया में आ गया। और आदम और हवा, उन्होंने उस फल को खाया, आदम और हवा पापी बने, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और इसलिए कि सब ने पाप किया है। ये हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पाप मेरे और परमेश्वर के बीच में आ गया। पहले हम पवित्र थे,
पहले हम परमेश्वर के साथ घूमते फिरते थे, उसके संगति का अनुभव करते थे, लेकिन अब पाप आ गया। परमेश्वर तो वो पवित्र है, लेकिन मनुष्य पापी बन गया। और इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या करता है? हंसते हुए तो नहीं आता है, आपने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा, वो रोते हुए आता है। क्यों? क्योंकि रोना एक जीवन की नकारात्मक निशानी है। वो रोते हुए तो आता है और रुलाते हुए चला जाता है। तो मृत्यु, हम सबों को जिसका जन्म हुआ है ज़रूर है कि मृत्यु भी हमें सहना है। दो प्रकार की मृत्यु है, एक तो शारीरिक मृत्यु है जिसमें हम सबों को एक दिन मरना है, और एक है आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु का मतलब हम परमेश्वर के साथ संगति न करके शैतान के साथ संगति किया और उसकी वजह से नरक हमारे लिए तैयार बनाया गया है। ये लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जब पाप आ गया तो पाप की वजह से पूरे सृष्टि में, पूरे मनुष्य जाति में वो पाप फैल गया। आप जानते हैं कि अगर एक गिलास पानी में जब आप पानी, शुद्ध पानी पीते हैं, तो अगर उसमें आप पानी में एक काला ड्रॉप डालेंगे या कुछ ऐसा स्याही डालेंगे तो पूरा पानी गंदा हो जाता, फिर हम उसको पी नहीं सकते, पहले तो शुद्ध था। ठीक उसी प्रकार से पाप हमारे जीवन में आया और उसने हमारे पूरे व्यक्तित्व को गंदा कर दिया। आप जानते हैं आजकल हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे घर में परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक संबंध नहीं है, बच्चे अपने अपने ही उसमें इच्छाओं पर चलते हैं, लोभ है, ये सब पाप के परिणाम है। और चोरी चपाटा, मर्डर, हत्या, व्यभिचार, रेप, ड्रग और कई प्रकार की आतंकवाद, एक सबसे बड़ा हमारे समाज में आ पहुंचा है। ये सब क्या है? ये सब पाप, जो पापी, पाप का जो स्वभाव है उसकी निशानी है। और इसलिए हम ये बताना मांगते हैं कि पाप की मजदूरी मौत है और उसका परिणाम मृत्यु है। और जब हमारी मौत हो जाएगी तब हम अगर उसी पापी दशा में रहेंगे तो नरक की आग में हमेशा झुलसेंगे अनंत काल तक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो बता रहा है। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। कितनी दर्दनाक है। आप सोचिए कि जो अगर हम अपनी उंगली को थोड़ा सा जला देते तो कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। हम उसमें पैरानोल या कोई मेडिसिन लगाते हैं ताकि दर्द कम हो। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं माना या हम पापी जीवन में ही बने रहें तो अंत में मरने के बाद आपके लिए और मेरे लिए बस एक ही जगह है और वो है नरक की आग जो हमेशा जलती रहती है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, नरक एक ऐसी जगह है जहाँ की आग कभी बुझती नहीं और जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं। बहुत दर्दनाक है। क्यों? ये पाप की वजह से। लेकिन मैं एक बात और बताना मांगता हूँ, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, उसने हमको ऐसे ही नहीं छोड़ा, वो आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, और इसीलिए उसने 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। जैसे मैंने कहा कि पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है, ठीक है, ये तो बहुत भयंकर बात है, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्यार इस प्रकार से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को
आपके लिए और मेरे लिए भेजा। आपने शायद क्रिसमस नाम ज़रूर सुना होगा, जो मसीह लोग, ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं। जी हाँ, 25 दिसंबर को लोग हर जगह पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस मनाने का मतलब क्रिसमस फादर से नहीं है, क्रिसमस मनाने का मतलब पार्टियों से नहीं है और उल्टे सीधे काम का नहीं है। क्रिसमस का मतलब है कि यीशु मसीह उस दिन आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया, उसने जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? ताकि आपकी समस्या को समझे, मेरी समस्या को समझे, और जो पाप की जो मजदूरी है, पाप का जो सड़न है, पाप का जो पूरा जो मौत है, वो अपने ऊपर ले ले। तो हम देखते हैं, एक जगह पर लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। तो 30 साल के बाद लोगों ने उसको पकड़ा और उसने बहुत पवित्र जीवन बिताया, बहुत कईयों को उसने चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया, अच्छी बातें सिखाई। ये हम पूरा पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो नए नियम के 4 किताबें हैं, वहाँ पर हम पढ़ते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा प्रतीत होगा और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। खैर, हम वापस आए अपने टॉपिक में कि यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा और उसको क्रूस की सजा दी। रोमन गवर्नमेंट में क्रूस की सजा बहुत ही खतरनाक सजा होती है। जो सबसे वर्स्ट, सबसे ख़राब कैदी जो होते हैं, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता है, उनके हाथों में कीले ठोकी जाती हैं। ये एक बहुत भयंकर थेरेबल, जिसे हम कहते हैं, भयंकर सजा दी जाती है। यीशु मसीह को वही सजा दी गई। क्यों? आपकी वजह से, मेरी वजह से, क्योंकि हम पापी थे। यीशु मसीह ने जो मौत मुझे सहनी थी, आपको सहनी थी, उसने अपने ऊपर ले लिया। और इसी में ही परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। वो चाहता है कि हम नरक ना जाएं, किसी प्रकार से वो पाप का स्वभाव तो दूर हो जाए। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन खराई से इस बात को बताता है कि यीशु मसीह ही वो मार्ग है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। अगर हम इसका तिरस्कार करते हैं तो भाई ये तो हमारी गलती होगी। भाई अगर किसी को प्यास लगी है और अगर हम पानी देते हैं गिलास, क्या वो प्यासा पानी अगर नहीं लेगा तो क्या वो जीवित रहेगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी जान क्रूस पर दी ताकि हमारे जीवन में पापों की क्षमा हो जाए। एक जगह पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, 1 कुरिन्थियों 15 उसका 1, 3 और 4 पद में, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा नहीं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, दो चुनाव हैं। आपके पास चुनाव है, मेरे पास चुनाव है। या तो हम अपने पाप में मर जाएं और नरक में चले जाएं, या फिर यीशु मसीह पर विश्वास करें कि हाँ प्रभु, तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर हम विश्वास करें तो भाई साहब, अनंत जीवन तो आपका है, पाप की क्षमा आपको मिल जाएगी और आप नरक की जगह नहीं, हमेशा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, हमेशा स्वर्ग में, एक ऐसी जगह जो आनंद की जगह, सुखदायी जगह है, आपको और मुझको देता है। क्या ये शुभ समाचार नहीं है? क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है?
आप ही विचार करिए। एक जगह पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मेरे दोस्तों, हम अपने कर्म से उद्धार नहीं पाते हैं, हम अपने कर्मों से पापों की क्षमा नहीं पाते हैं। अरे साहब, हम पापी ही स्वभाव, हमारा स्वभाव ही पापी, हम क्या कर्म करेंगे, क्या अच्छी बात करेंगे, हम नहीं कर सकते। हमारे जीवन से सिर्फ पाप ही पाप निकलता है, लेकिन इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक मार्ग निकाला, एक रास्ता निकाला, ताकि हम नरक न जा कर के स्वर्ग में जाए। एक जगह पर लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह अर्थात यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक जगह पर और लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। क्या आप उद्धार पाना नहीं मांगते? क्या आप पाप से छुटकारा नहीं चाहते? क्या आप वो नरक से मुड़ करके स्वर्ग में जाना नहीं चाहते? आपके लिए मौका है। प्रभु यीशु मसीह ने एक मौका दिया है, एक चॉइस दिया है, एक चुनाव करने के लिए आपके पास क्षमता है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके पाप क्षमा होंगे और स्वर्ग में जाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, अरे साहब नहीं, हम तो अपने में ही रहेंगे, नहीं हम तो ये करेंगे वो करेंगे, आपकी मर्जी है। अगर एक प्यासा प्यार पानी के लिए पूछता है और अब उसे नहीं पीता नहीं लेता, तो वो तो प्यास से मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक रास्ता खोला है। वो रास्ता है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं जा सकता, वही एक मार्ग है। एक जगह पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 4:12 में कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, सिर्फ एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे? 3 बातें मैं आपके लिए बताऊंगा। पहली बात, सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने अपने पापों को माने, पश्चाताप करें कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, धन्यवाद हो प्रभु जी कि तूने ये रास्ता दिखाया। और दूसरी बात ये करें, प्रार्थना करें कि सच्चे हृदय से यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, सच्चा विश्वास करें। और तीसरी बात, अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु मान करके अपने जीवन को एक नया जीवन बना ले। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको एक नया जीवन देगा, आपको एक नई आशा आपके पास होगी, आप स्वर्ग के वासी होंगे, आप परमेश्वर सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चुनाव है, आशा है आप इस पर ध्यान देंगे और स्वर्ग के वासी होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।